प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पार्ट फर्स्ट 135 और 225, सेकंड 196 और 38,220, थर्ड 867 और 255। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कर 225 और 135 135 एकम 135 जीरो। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो सौ पच्चीस बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ आर जीरो नहीं है, इसलिए 135 और 90 के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिपीट होगी। यहाँ 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ से फिर देखते हैं कि रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से रिपीट करेंगे। 45 दूनी 90, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ आर देखिए जीरो है, तो इस स्टेज पर क्योंकि आर जीरो है तथा भाजक 45 है, तो 45 जो है वो 135 और 225 का एचसीएफ होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल जीरो है तथा भाजक 45 है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा? 45। अब पार्ट सेकंड 196 और 38,220। यहाँ हम देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए 38,220 को 196 से भाग करते हैं। 196 एकम 196, ऊपर से दो उतारते हैं, 196 निम्न पे जाएगा ये 64। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 196 पाँच 980। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप में ही शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया, तो इसलिए 196 और 38,220 इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 196। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 गुणा में 195 प्लस 0। तो क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए 196 और
38,220 का HCF 196 होगा। आगे पार्ट थ्री 867 और 255। तो यहाँ हम देखते हैं कि 867 255 से बड़ा है, इसलिए 867 को 255 से भाग देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 765। 2, 0 और 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ R इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए 255 और 102 के लिए। 102 × 204। तो यहाँ 255 बराबर लिखेंगे 102 × 2 + 51। फिर से R 0 नहीं है तो प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा। 102 × 51 = 102। 102 = 51 × 2 + 0। तो क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, तथा भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। आगे क्वेश्चन 2 दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा भाजक जो है बी 6 मान लेते हैं। तो यदि हम किसी भी पूर्णांक ए को 6 से भाग दें तो कोई भाग क्यों आएगा और शेषफल आर आएगा। अब आर हमें पता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो आर बराबर हो सकता है 0 या 1, 2, 3, 4 या फिर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर 6q + r, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इसलिए a जो है वो किस किस रूप का हो सकता है। a संख्याओं 6q के रूप का हो सकता है, यदि r बराबर हम 0 ले, r बराबर 1 ले तो 6q + 1, r बराबर 2 लोगे तो 6q + 2, r बराबर 3 लेते हैं तो 6q + 3, r बराबर 4 लेते हैं तो 6q + 4, r बराबर 5 लेते हैं तो 6q + 5 तो के रूप का हो सकता है। तो a संख्याओं
छः क्यू प्लस एक, छः क्यू प्लस दो, छः क्यू प्लस तीन, छः क्यू प्लस चार या छः क्यू प्लस पाँच के रूप का हो सकता है। अब क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये यहाँ देखिए छः क्यू प्लस दो और छः क्यू प्लस चार, तीनों में हम दो कॉमन ले सकते हैं। जैसे छः क्यू को मैं लिख सकता हूँ दो गुणा तीन क्यू, छः क्यू प्लस दो को लिख सकता हूँ दो गुणा में तीन क्यू प्लस एक, और छः क्यू प्लस चार को लिख सकता हूँ दो गुणा तीन क्यू प्लस दो। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि दो एक गुणनखंड है, दो एक गुणनखंड है तो दो से विभाज्य है, और दो से विभाज्य है तो ये तीनों क्या है, सम है। तो ए क्योंकि विषम पूर्णांक है इसलिए ये इन तीनों के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह छः क्यू प्लस दो या छः क्यू प्लस चार के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों दो से विभाज्य हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस एक, छः क्यू प्लस तीन या छः क्यू प्लस पाँच के रूप का हो सकता है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक छः क्यू प्लस एक, छः क्यू प्लस तीन या छः क्यू प्लस पाँच के रूप का होगा। आगे क्वेश्चन थ्री, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ होगी। तो आइए 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 616 को और 32 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 32 एकम 32 में 288, 8 शेष बच गए हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ६१६ = ३२ × १९+८, यहाँ आर जीरो के बराबर नहीं है इसलिए प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। 8 और 32 के लिए 8 × 32, बत्तीस बराबर 8 × 4+0, यहाँ रिमाइंडर क्योंकि जीरो आ गया है इसलिए 32 और 216 का एचसीएफ
8 होगा, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है और भाजक 8 है। इसलिए अचीव ऑफ 616/32 बराबर 8। आगे क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो तो a 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं। पहली अवस्था में हिंदी में लिख सकते हैं, पहली यदि a बराबर 3q हो तो a स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें धनात्मक संख्या का वर्ग चेक करना है, तो इसलिए धनात्मक संख्या a है, तो a का वर्ग 3q का वर्ग होगा। स्थिति में 3q का वर्ग 3 × 3 = 9q², 9q² को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3q², तो 3। अब इतने इतने को हम m मान लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q². अब दूसरे केस में या दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q+1 लें, यदि a बराबर 3q+1 हो तो a स्क्वायर क्या होगा, 3q+1 का स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b² इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो a² 3q² + 2ab 2 × 3q + 1 + 2 = 1² ये आ जाएगा 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q + 2 + 1। अब इतने इतने फैक्टर को मैं m मान लेता हूँ, 3m+1, जहाँ m बराबर q × 3q+। अब तीसरी अवस्था में a बराबर 3q+2, तो a² क्या होगा, 3q+2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दुनी 6 दुनी 12 क्यू प्लस 4। यहाँ देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। इन पहले तीन में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, 3m प्लस 1। यहाँ पर ये पूरा फैक्टर मैंने m को m के बराबर ले लिया, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो यहाँ देखिए तीसरे केस में भी ये किसके रूप का आया, 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ से अगर हम सभी केसेस को एक बार देखें, तो पहले केस में या पहली अवस्था में ये 3m के रूप का था, दूसरी अवस्था में 3m प्लस 1 के रूप का, और तीसरी अवस्था में भी हम देख रहे हैं कि ये 3m प्लस 1 के रूप का है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 लेते हैं तो ए जो है वो संख्याओं 1 को अगर हम 3 से भाग करें तो पूरे भागफल क्यू और शेष आर आता है, तो ए जो है वो 3 क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू होगी 0, 1 या 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ए संख्याओं 3 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा। अब हमें सिद्ध ये करना है कि a का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो पहली अवस्था में यदि a बराबर 3 क्यू हो, पहली अवस्था केस 1, यदि a बराबर 3 क्यू हो तो a का घन इधर से 3 क्यू का घन हो जाएगा, 3 का घन 3 3 9 3 27 क्यू का घन, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, 27 को 9 गुणा 3 क्यू क्यू, अर्थात ये 9m। इतने इतने फैक्टर को मैंने m कह दिया, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू का घन भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक को जब 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, तो इस पूर्णांक को मैंने m मान लिया, जहाँ m बराबर 3 क्यू का घन है। अब दूसरी अवस्था
केस सेकंड, यदि ए बराबर 3q+1 हो तो ए का घन 3q+1 का घन के बराबर होगा। अब देखिए एक सूत्र है हमारे पास x+y का घन, x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy इंटू x+y। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए तीन क्यू का घन प्लस वाई की जगह एक का घन प्लस 3 × 3 क्यू वाई की जगह 1 × 3 क्यू+1 तो ये हो जाएगा 3 क्यू का घन, 3 × 3 होती है 27 प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 × 3 9 क्यू गुणा 3 क्यू+1। अब ये दोनों फैक्टर देखिए, इन दोनों में से हम 9 कॉमन लेंगे। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 27 क्यू क्यू+1 प्लस 9 क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 क्यू² + q। इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यू क्यू+3 क्यू² + q+ ये वाला 1। अब इसको हम 9m+1 लिख सकते हैं, जहाँ m जो है ये पूरा फैक्टर है, जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यू+3 क्यू² + q है। तीसरी अवस्था में केस थर्ड, यदि a बराबर 3q+2 हो तो a का घन 3q+2 के घन के बराबर होगा। फिर वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x³ + y³ = x³ + y³ + 3xy × x+y, x³ + y³ + 3xy × x+y, 3 × 3 = 27 q² + 8 3 × 3 = 18 q × 3q+2 27 q³ + 8 + 18 × q को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3q² + 2q। अब इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 3 = 27 q³ + 9 × 2 = 18 प्लस में 8 दो को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 3 = 6q² + 4q + 8। अब इतने इतने फैक्टर को मैं m कह देता हूँ, 9m+8, जहाँ m बराबर 3q³ + 6q² + 4q है। तो यहाँ पर भी क्योंकि q एक पूर्णांक है
तो इनका घन स्क्वायर और ये सारा फैक्टर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम तीनों केसेस में देख रहे हैं कि पहले केस में ए जो है वो 9m के रूप का है, दूसरे केस में ए जो है 9m प्लस 1 के रूप का है, और तीसरे केस में ए जो है वो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को, ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है। ए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा।